वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम अध्याय को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिख रहा है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायो ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरायो के कल्पना दर्शक जो सरायो एक चित्रकार थे, कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, एक श्रृंखला बनाई चित्रों की जिसमें सारे देश क्या है स्वतंत्रता की प्रतिमा के लिए कतार में खड़े थे, बड़े से कतार में खड़े थे। दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बांटे हुए जिनकी पहचान उनके कपड़ों और सामाजिक पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगों से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको बताया गया है बढ़िया से कि यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग अपना अलग अलग झंडा यहाँ पर ताने हुए हैं और ये स्वतंत्रता के लिए मैं आंदोलन कर रहे हैं, यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो इस चित्र से आपको कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा मुख्य टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो जो भी फ्रांसीसी क्रांति हुई वो क्यों हुई, उसके क्या कारण थे और जो भी वहाँ का शासक था वो ऐसा क्या किया जो वहाँ पर क्रांति के लिए मजबूर हो गए लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको बता दें कि वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हुई थी। वहाँ के जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनको बहुत सारी सुविधाओं का अवहेलना किया जाता, उनको बहुत सारे यातनाएँ दी जाती थी। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा की अब लोग द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे इसका नियत तय करेंगे। तो वहाँ पर जो भी फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके कारण यह था कि वहाँ पर एक निरंकुश राजा था और वह मनमाने तरीके से कानून को लागू कर रहा था। इसकी वजह से वहाँ के जो भी आंदोलनकारी थे आंदोलन करने लगे और वहाँ पर क्रांति हो गई। तो क्रांति का मुख्य कारण यही था और वहाँ के क्रांतिकारी जो भी लोग थे वो ऐसा देश चाहते थे, ऐसा एक कानून चाहते थे, ऐसा संविधान चाहते थे कि उनका जो भी कार्य हो वो सीधे जनता के द्वारा तय हो या जनता उसको तय करे। आगे देखते हैं। तो प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि यानी कि जो हमारे पिता और बाबा के द्वारा लाए गए, दादा के द्वारा नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा का चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए जो भी पितृभूमि थी यानी कि हमारे जो भी वंशा
वंश जो भी हमारे पिता के द्वारा हमारे दादा के द्वारा जो भी वंश है या उनकी जो भी संपत्ति है उनके बच्चों को यानी कि उनके संतानों को प्राप्त हो। तो वहाँ पर ये कानून ऐसा चाहते थे और उन्होंने क्या किया, एक नया अपना तिरंगा झंडा बनाया और वह तिरंगा झंडा इतना लोकप्रिय हो गया कि वो जो भी पुराना झंडा था उसका जगह लेने में इसको समय नहीं लगा और वह एक लोकप्रिय झंडा बन गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। तो जो भी स्टेट जनरल थे वहाँ पे उनका चुनाव नागरिकों के सक्रिय नागरिकों के द्वारा होने लगा। उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली तो पूछता है कि जनरल स्टेट चुनाव का नाम बदलकर किसका नाम रखा गया, तो नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। तो और नई स्थितियाँ रची गई, सत्य ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्कों पर समाप्त कर दिया गया और भार भार नापने वाले एक समान व्यवस्था की गई और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित की गया। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर क्या हुआ, जो भी इस आंदोलन में जो भी सैनिक मारे गए थे उनका क्या हुआ, गुणगान किया गया और शपथें ली गई कि हम अच्छे से अपने देश का पालन करेंगे, हम अपनी ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से मतलब अपने जो भी कार्यभार है उसको अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ और जो भी आयात निर्यात शुल्क था और ये सीमा है, राज्य सीमा है, यहाँ पर आयात शुल्क देना पड़ता है, यहाँ पर भी इन सबको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है और आगे लिखा है कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है, लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए तथा दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र के गठित होने में मदद होगा देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकबिन क्लबों की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1970 के दशकों में हाईलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। तो कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस से उत्पन्न हुई फ्रांसीसी क्रांति और यह क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व में अपना क्या हुआ, स्थान ले ली और अलग अलग देशों में भी क्रांति होने लगी। वहाँ पर भी लोग सोचने लगे कि हम भी आज़ाद होंगे और हमारा भी एक संविधान होगा और हम भी क्या करेंगे, एक चुनाव करेंगे सक्रिय नागरिकों के द्वारा और वहाँ पर जो भी राजतंत्र की व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया जाएगा। नेपोलियन के नियंत्रण के बाद नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अपने अनेक सुधार की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। तो क्या होगा, 1789 ईस्वी की क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ पर राजतंत्र तो खत्म हो गया बट वहाँ पर नेपोलियन आया, वह अनेक सुधार किए जैसे कर को हटा दिया, आयात निर्यात शुल्क को हटा दिया, बहुत सारे बदलाव किए और नेशनल असेंबली की यहाँ पर एथी रख दी। लेकिन वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर राजतंत्र को क्या हुआ, जारी रखा वहाँ पर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मानचित्र में उस समय भी इसी तरह का वहाँ पर क्या था, पूरे यूरोप में इसी तरह का अलग अलग छोटे छोटे देशों में पूरा थे महाद्वीप विभाजित हो गया था छोटे छोटे राज्यों में और वह अपना देश बना चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमन साम्राज्य है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस देखिए इतना छोटा सा था और लघु राज्य हंगरी, साइबेरिया, इग्नियो, अल्जीरिया, मोरक्को आप देख सकते हैं। मगर प्रशासनिक क्षेत्रों में और यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि नेपोलियन ने क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, राजतंत्र को जारी रखा मगर उसने बहुत सारे सुधार किए। तो लिख रहा है कि मगर प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। कहने का अर्थ है कि जो भी क्रांतिकारी का जो भी क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो भी उन लोगों का मांग थी उन मांगों को क्या किया नेपोलियन ने पूरा किया और किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में क्या किया, नेपोलियन ने नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है
ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। वहाँ पर जन्म पर अधिकार जो मिले थे कि हमारा पिता हमारी पौत्रिक जमीन हमारी होगी, तो उस जन्म अधिकार को क्या गया, जन्म अधिकार को सुरक्षित बनाए रखा। और इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व जागीरदारी शुल्कों को मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघ नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानकर भार एक समान कानून बनाकर भार माप तौल की व्यवस्था को यहाँ पर क्या किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। वो लिख रहा है कि भार माप मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा में एक इलाके में दूसरे इलाके में वस्तुओं में पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएँ थी। शुरुआत में अनेक संस्थाओं जैसे हाईलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वर्षा के फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनों में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगी। तो उन्होंने कहा थे कि नेपोलियन ने क्या किया, अब धीरे धीरे वहाँ पर अपना जो भी कह सकते हैं एक प्रकार का निरंकुश शासन धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। शुरू में तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इनको आप देख लेंगे, तो 1797 में नेपोलियन का इटली पर शुरुआत आक्रमण और 1814 से नेपोलियन का पतन और 1821 से यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ और 1848 में फ्रांसीसी क्रांति, आर्थिक प्रयास और ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो हम अभी तक देख चुके थे फ्रांसीसी में राष्ट्रवाद का निर्माण और अब हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस के मतलब एक कह सकते हैं कि फ्रांस के वजह से ही यूरोप के अन्य देशों में भी वहाँ पर क्रांति किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के इसी सेक्टर में। लिख रहा है कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटीनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स, टिराल, ऑस्ट्रिया और स्वीडनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्गों में जर्मनी भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो भी हैब्सबर्ग साम्राज्य था और लंबार्डी और विंडोनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांति में शामिल था। हंगरी में आधे लोग म्यांमारी भाषा बोलते थे। तो हंगरी वहाँ का देश था, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते थे, मैगनार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न वहाँ की स्थानीय बोलियों का प्रयोग करते थे। तो गैलिसिया में कुलीन वर्ग पेलिस भाषा का प्रयोग करता था और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य का सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर और बोहेमियम और स्लोवाक कार्निवोला में, स्लोवेंस दक्षिणी में,
क्रियोर तथा पूरब में पूरब की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रामन लोग ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूहों को आसपास में बांधने वाले तत्व केवल साम्राज्य के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।